इस किले का नाम था कोंडाना। तो ये जो किला है, इस किले के पूरे राउंड में 11 किले आते हैं। जो 100 किलोमीटर का रेंज है, जो सर्कल है, उसके अंदर कितने किले आते हैं? 11। तो उसमें सामने हमको दिखता है तोरना और राजगढ़। तो जो राजगढ़ है ना, उस राजगढ़ पे खुद शिवाजी महाराज रहते थे। तो उस टाइम क्या हुआ मालूम है कि ये जो किला पुरंदर के तह हुआ था, पुरंदर का एक तह हुआ था, उस तह में 80,000 की फौज लेकर औरंगजेब के जो सरदार थे उसमें मिर्जा राजा जयसिंह था और दिलेर खान, ये 80,000 की फौज लेकर कहां पे आ गए थे मालूम है? जो पुरंदर का किला है ना वहां पे। और वो क्या बोले कि ये जो पुरंदर किला है ये हमको इज्जत से दे दो, नहीं तो हम ये किला है ना यहाँ से एक एक पत्थर भी उठा के लेके गए तो 80,000 की फौज एक किला यहाँ से हमारे राज्य में जाके खड़ा कर देंगे। तो उस टाइम पुरंदर जो था, उस पुरंदर पे ना जो शिवाजी महाराज के जो पहले बेटे थे उनका नाम था संभाजी राजे। संभाजी राजे मालूम है आपको? तो संभाजी राजे का जन्म कहाँ पे हुआ था? पुरंदर पे। तो ये जो स्वराज्य था उसमें से 50% जो इज्जत थी स्वराज्य की वो इस किले पे निर्भर थी। अगर पुरंदर को आके मुगलों ने तोड़ के लेके गए या तोड़ फोड़ दिया तो स्वराज्य की इज्जत जाने वाली थी। तो उस टाइम क्या किया मालूम है शिवाजी महाराज को? ये पता चल गया कि वो ऐसा बोल रहे हैं हमको किला दे दो नहीं तो आप किला तोड़ देंगे। तो उस टाइम क्या हुआ मालूम है? उन्होंने बोले, शिवाजी महाराज बोले, आप 80,000 की फौज लेके चले जाओ, हम आपको देंगे 23 किले। मालूम है कितने किले दिए? 23 उस एक किले के बदले में। जो 23 किले दिए उन 23 किलो में सबसे अच्छा और सबसे जो ताकतवर किला था वो ये था कोंडाना। कौन सा था? कोंडाना। तो ये जो कोंडाना मुगलों के पास चला गया और मुगलों के पास जाने के बाद इस किले पे राज्य करता कौन है आपको मालूम है? उदय भानु राठौड़। तो उदय भान राठौड़ था ना वो एक हिंदू किलेदार था, एक राजपूत किलेदार था, लेकिन वो हिंदू होकर राजपूत होकर उसने क्या किया मालूम है? उसका शिवाजी महाराज की अपेक्षा क्या थी कि इस किले पे जो राज्यकर्ता आएगा वो राज्यकर्ता अच्छा होना चाहिए और उसने राज्य अच्छा करना चाहिए, ये शिवाजी महाराज का मन था। लेकिन उदय भान इस किले पे राज्य करने के लिए आया और उसने स्वराज्य का सबसे बड़ा नियम क्या तोड़ दिया मालूम है? वो यहाँ पे आया तो थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, आपको दिखाता हूँ वो स्वराज्य का नियम क्या उसने तोड़ दिया। सामने आप देख रहे हो यहाँ पे जो नीचे मूर्ति दिख रही है, ये जो मूर्ति है ना ये तीन लड़कियां हैं, इनका नाम है कमल कुमारी, देवल देवी और पद्मशिला। क्या नाम है? कमल कुमारी, देवल देवी और पद्मशिला। ये तीन लड़कियों को उदय भान राजस्थान से बंदी करके लेके आया और यहाँ से सीधा पीछे गए ना तो अभी इसको हाउ पॉइंट बोलते हैं। हाउ पॉइंट क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि वहां से ज्यादा हवा आती है, सबसे लास्ट में पॉइंट है, वहां से ज्यादा हवा आती है इसकी वजह से अभी उसको हाउ पॉइंट बोला जाता है। लेकिन उसका मेन नाम क्या है मालूम है पहले का? कलावंतिनी बुरुंज। तो कलावंतिनी बुरुंज क्यों बोला जाता है मालूम है? वैसे ऊपर ऐसे स्टेज के जैसे बनाया तो कलावंतिनी क्यों? क्योंकि ये लड़कियों का नाच गाना होता था वहां पर, तो नाचना क्या है? कला है, नाचना कला है और लड़कियां नाची, इसके वजह से उस बुरुंज का नाम क्या रख दिया? कलावंतिनी बुरुंज। तो जो कलावंतिनी बुरुंज है उस मतलब वहां पे इन लड़कियों पे अत्याचार हो रहा था, लड़कियों का नाच गाना देखा जा रहा था। ये किसको पता चल गया? राजगढ़ पे जिजा माता को। जिजा माता सुबह सुबह खिड़की में बैठी थी, उनका ध्यान सामने गया, मुगलों का हरा ध्वज किले पे लहरा है और उन्होंने देखा उस टाइम इस किले पे लड़कियों पे अत्याचार हो रहे। ये जिजा माता को पसंद नहीं आया, उनके मन में किला चुभ रहा था, तो उन्होंने ना वो गुस्से में आ गई और बोली, अरे शोभा आज अष्टमी है, अष्टमी को निकलने का और नवमी को किला हाथ में लेने का। कितने दिन का समय दिया? एक दिन। अष्टमी नवमी मालूम है ना? अष्टमी को निकलने का, नवमी को किला हाथ में लेने का, एक दिन का समय दिया और एक कोंडाना किला जीतने का बताया। लेकिन उदय भान राठौड़ एक अच्छा राज्य करता था, जब हिंदू राज्य करता था, राजपूत था, तो उदय भान राठौड़ अच्छा था। लेकिन मुगल धर्म अपनाने के बाद वो लड़कियों पे क्यों अत्याचार करने लगा आपको मालूम है? ये जो किला है, ये किला 23 किलो में सबसे बढ़िया है, मतलब आप देखो कि 23 किलो का राजा है तो ये किला सबसे ताकतवर है। दूसरी बात क्या है मालूम है? उदय भान के पास 1800 सैनिक है किले पे। तीसरी बात क्या है मालूम है? उदय भान राठौड़ जो है तो आपको जो पहाड़ वगैरह मिट्टी निकालने के लिए एक रॉड रहता है मालूम है, जिसको मराठी में पहाड़ बोलते हैं, लेकिन रॉड मालूम है आपको जो मिट्टी निकालने के लिए एक बड़ा रहता है। तो उदय भान है ना उसकी ताकत, उसकी हाइट 8 फीट, उदय भान की ताकत थी, हाथ में पकड़ लिया ना ऐसे मोड़ देता था। क्या करता था? ऐसे मोड़ देता था। ये उदय भान की ताकत है, मराठी में ऐसा चार रहता है, फोर जो है ना ऐसे मराठी में रहता है, उसको ऐसे बना देता था। ये उदय भान की ताकत थी और वह उदय भान तीसरा इस किले पे राज्य करता था। और उदय भान के मन में क्या था आपको मालूम है? अगर ये लड़कियों पे अत्याचार किया तो कोई भी सैनिक ये तीन मतलब जो तीन टप्पे है इसको पार नहीं कर सकते, तो आएगा कौन? खुद शिवाजी महाराज। ये उदय भान का प्लान था कि शिवाजी महाराज को लाने का कैसे?
तो ऐसे ही तो उदय भान ने यह किया और शिवाजी महाराज ने 300 सैनिकों को बिठा के बोले यह सामने वाला गढ़ कोंडा ना या भी उदय भान राठौड़ के पास है या हमको जीतना है। 300 सैनिक थे, कोई भी हाँ नहीं कह रहा था। क्या 300 सैनिक थे, कोई भी हाँ नहीं कह रहा था। और तब उस टाइम में ना महाराज खुद बोले हम खुद निकलते हैं किला जीतने के लिए। और जब महाराज खुद निकल गए उनके सामने तानाजी मालुसरे आके पहुंच गए। और सामने आने के बाद मुजरा मुजरा महाराज मुजरा मुजरा करके बोले महाराज मेरे बेटे की शादी में जरूर आना। वो क्या बोले महाराज बेटे की शादी धूमधाम से लगा दो, तब तक हम सामने वाला कोंढाणा किला जीत के आते। ये क्या बोले महाराज आप कोंढाणा किला जीतने के लिए जाओगे और हम हमारे बेटे की शादी में बड़े बाप नजर नहीं आएंगे। पहले शादी होंगी कोंढाणा की, फिर होंगी वो मेरे बेटे की। मतलब पहले कोंढाणा किला जीतेंगे, बाद में बेटे की शादी करने के लिए वापस आ जाएंगे। ऐसा बोल के तानाजी मालुसरे ने 500 सैनिक लेकर यहाँ से वहां से निकलने के बाद वो कहाँ पे आके पहुंच गए मालूम है? सीधा किले पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का आप ऊपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्ट्री तो आपको भी मालूम है लेकिन देख के सुनने में अलग है। और आप ऐसे मन में रख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप पूरा दिन आने जाने में लगा सकते हो, 10 मिनट हिस्ट्री नहीं सुन सकते। तो उस टाइम अगर हमको इतनी जरूरत है हिस्ट्री की तो उनको तो किला जीतना है, हमको घूम के जाना है। हिस्ट्री पता नहीं चली अगली बार आ सकते, वैसे वो लड़ने के लिए बार बार आ सकते हैं क्या? तो अगर एक एक बार लड़ने के लिए जाना है तो हिस्ट्री चाहिए। और हिस्ट्री उनको किसके लिए चाहिए मालूम है? उसको गनीमी कावा बोलते हैं। गनीमी कावा का गनीमी कावा जो है ना ये क्या होता है आपको मालूम है? कम सैनिकों में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। वो कैसे मारे जाते हैं इसके लिए गनीमी कावा किया जाता है। इन्होंने क्या किया, ये पीछे वाला पहाड़ है जिसको अभी घोरपड़ कड़ा बोलते हैं क्योंकि वहां से चढ़कर आए जो यशवंती घोरपड़ थी उसके पेट को रस्सी बांधकर ऊपर आया, इसको घोरपड़ कड़ा अभी बोलते हैं। लेकिन उस टाइम का नाम क्या था? द्रोणागिरी। उस पहाड़ी का नाम क्या था? द्रोणागिरी। तो द्रोणागिरी के पहाड़ी के नीचे देखा, वहां पे देखने के बाद 2 से 3 घर है। कितने घर है? 2 से 3 घर है। उसको बोलते हैं कोलीवाड़ा। तो जो कोलीवाड़ा है ना वहां पे तानाजी मालुसरे आके रुक गए। और रुकने के बाद वहां पे वो जागरण गोंधल वगैरह होता है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री बहुत है, ये जागरण गोंधल वगैरह होता है उसमें कोली जो लोग थे वो किले की हिस्ट्री नहीं बता रहे थे। तो उनको फितूर किया। वो कैसे किया मराठी में सुना उनके ना पोवाड़े में, आता तुम्हारा समझल थे, इनको समझ आएगा आपको नहीं समझ आएगा हिंदी में बताया तो उनको फितूर किया। और फितूर करने के बाद वो जागरण गोंधल था तो कोई सैनिक सो रहे थे तो कहीं जाग रहे थे तो कहीं नींद में चला गया था क्योंकि ये जागरण गोंधल देवी का गाना वगैरह गाते। तो उनको फितूर करने के लिए 2-3 ऐसे शब्द बोले गए कि उनको गुस्सा आया, किले की हिस्ट्री पूरी बता दी गई। बताने के बाद जो द्रोणागिरी का पहाड़ है उस पहाड़ी से तानाजी मालुसरे यशवंती माउंटेन लिजर्ड जो यशवंती उसका नाम था घोरपड़ थी उसके पेट को रस्सी बांधकर तानाजी मालुसरे पीछे वाला पहाड़ चढ़ के ऊपर आ गए। और ऊपर आने के बाद उदय भान के साथ तानाजी मालुसरे की लड़ाई जो थी वो चालू होने के पहले वहां से थोड़ा सा पीछे जाने के बाद आपको बोला लड़कियों पे अत्याचार हो रहे थे, उनका नाच गाना देखा जा रहा था। तो उसको बोलते है कलावंती निपुरंज जो जहां से चढ़कर आए ना वहां से थोड़ा सा आगे। इन्होंने क्या किया, ऊपर आने के बाद 350 पठान तानाजी मालुसरे ने अकेले काट दिए और उदय भान के साथ युद्ध में तानाजी मालुसरे की लड़ाई में तानाजी मालुसरे की शील्ड कट गई। उदय भान के एक ही वार में तानाजी मालुसरे की शील्ड कट गई और शील्ड कटने के बाद तानाजी मालुसरे के हाथ के ऊपर वार हुआ और तानाजी मालुसरे का हाथ भी पीछे वाले साइड में कट गया। उन्होंने क्या किया, शील्ड कटने के बाद पेट का कपड़ा निकल के हाथ को लपेट लिया। जो देखो सामने सैनिक दिख रहे हैं इनके पेट को देखो कपड़ा है, जो देखो हमको पता चलने के लिए बिठाया गया, दिख रहा है आपको मतलब पेट को जो देखो कपड़ा है पेट के नीचे। तो ना उन्होंने हाथ को लपेट लिया, आप सोचो लोहे की जो शील्ड रहती है वो कट गई, वो अपने हाथ में लगा हुआ कपड़ा कितने देर तक रहेगा, वो भी कट जाता है। और हाथ कटने के बाद एक हाथ से लड़ते लड़ते तानाजी मालुसरे यहाँ पे आके नीचे गिर जाते, तानाजी मालुसरे यहाँ पे आके नीचे गिर जाते। और ये तो युद्ध था, युद्ध बोले तो एक खेल रहता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, दोनों जीत नहीं सकते, दोनों हार नहीं सकते ना। और खेल तो इनके ऊपर निर्भर था कि कैसे खेल रहे हैं। तो तानाजी मालुसरे के ऊपर हाथ कटने के बाद उदय भान ने 80 वार किए और तानाजी मालुसरे नीचे गिर गए। और नीचे गिरने के बाद उदय भान राठौड़ ना यहाँ से लात मार के भागने लगा। उदय भान ने खेल तो जीत लिया क्योंकि तानाजी मालुसरे नीचे गिरे हुए देख हमारे जो सैनिक आए थे जिस रस्सी से किले पे आए थे उसी रस्सी से नीचे उतरने लगे। तो सूर्या जी है ना उसने देखा कि तानाजी मालुसरे नीचे गिर गए तो उदय भान ने अपमान करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्योंकि वो खेल तो जीत गया था लेकिन उसने अपमान किया। और उदय भान को क्या लगा मालूम है, वो पीछे वाले साइड से सैनिक आए तो हम कल्याण गेट से भाग सकते। मैं आपको बताता हूँ उदय भान कल्याण गेट से भागने लगा
क्योंकि इस साइड में युद्ध नहीं हो रहा था, इधर कोई भी नहीं था। तो उदय भान इस साइड से भागने लगा और भागते भागते उसको एक आवाज आया, अरे हिजड़ी की औलाद तेरी, मेरा बेटा इधर नीचे गिर के मर गया और तू उसके छाती पे लात मार के किधर भाग रहे। तो उदय भान को पता नहीं चला कि इधर से आवाज किधर से आया। तो मैं बोला आपको गनी में आवाज करते हैं, तो अगर पहले से ही कल्याण गेट से आते तो बोल, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो पुणे गेट तक 1200 सैनिक की तटबंदी है, हम ऊपर 10 लोग है और नीचे से 100 लोग आ रहे, मतलब पत्थर लेके भी मार दिया तो 10 लोग उनको ऊपर आने नहीं दे सकते। तो मैं बताता हूँ 1200 सैनिकों की तटबंदी, इधर से 500 सैनिक हमारे आ सकते हैं क्या? इन्होंने क्या किया, 300 सैनिक पीछे से भेज दिए। अब पीछे से 300 सैनिक आ गए, ये 1200 सैनिक लड़ने के लिए सामने सामने गए, और ये जो सामने सामने लड़ रहे हैं ना, हमारे 200 सैनिक पीछे से आएंगे कल्याण गेट खोल के, और पीछे से हल्ला आने के बाद इधर से भी अपने सैनिक, उदर से भी ये पीछे वाले से अपने सैनिक। उदय भान के सैनिक कहाँ पे अटक जाएंगे? बीच में, ऐसा प्लान था। और उदय भान उनके सामने जाके पहुंच गया, उसको क्या लगा इधर तो पूरा खुला, इधर से भाग सकता हूँ। तो उदय भान को कल्याण गेट पे रोक कर वो बोले, अगर हिम्मत होगी तो 80 साल के बूढ़े से लड़ाई कर। उदय भान उनसे लड़ने लगा, उसके छाती पे बैठ के नीचे गिराया, उसके छाती पे बैठ गए, उसको नीचे गिराया, और उदय भान राठौड़ का दांत से गला फाड़ के कल्याण गेट पे उदय भान को ठार मार दिया। वहाँ पे ऐसे चार पत्थर लगा के जो थड़गो वगैरह रहता है ना, वहाँ पे बनाया गया उदय भान का। और वो उदय भान को मारने के बाद अपने जो सैनिक भाग रहे थे, तो सूर्या जी ने देखा, तानाजी का छोटा भाई था सूर्या जी, और वो जो शिलार थे वो शिलार मामा थे, तानाजी मधुसूरी के अंकल थे। तो उन्होंने देखा सैनिक भाग रहे, तो सूर्या जी है ना उस रस्सी के पास गया, क्योंकि अपना भाई नीचे गिर के मर गया। आप सोच रहे होंगे वो भी भागने की सोच रहा है, लेकिन भागने की नहीं सोच रहा था, उसने क्या किया, जो रस्सी को 50-60 सैनिक लटके थे ना वो रस्सी काट दी। बाकी के सैनिकों को क्या बोला मालूम है, अरे हमारा बाप इधर नीचे गिर के मर गया, वो तो औरत के जैसे, भागुबाई के जैसे इस पहाड़ी से क्यों नीचे उतर के भाग रहे हो, अगर हिम्मत होगी तो लड़के मरो, नहीं तो साड़ियां चूड़ियां पहनो और यहाँ से कूद के मरो, क्योंकि मैंने रस्सी काट दी। अभी रस्सी काटने के बाद ये सैनिक फिर से आ गए, लड़ते लड़ते किला जीत लिया। यहाँ पे ऊपर बाल्य किला है, बाल्य किला मतलब किले पे छोटा किला रहता है। अभी हमने यहाँ से देखा पीछे, ये जो दीवार है, दीवार के पीछे का दिख रहा है क्या हमको? नहीं दिख रहा। इधर देखो तो एक पेड़ दिख रहा है, लेकिन आप अगर वहां पे जाओगे ना, ये तो मतलब ये लास्ट का जो जरा है यहाँ से वहां तक पूरा क्लियर दिखता है। वहां पे उदय भान का महल था, शत्रु का ध्वज था, नीचे किया भगवा ध्वज ऊपर करके, जो आपने घोड़े की पा का नाम देखा आते समय जो लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे घोड़े को खाने के लिए रखा जाता है, वो लेके आए एक बैग रख के जो गवत रहता है मतलब ये, तो उसको जाल के राजगढ़ पे संदेश पहुंचाया। तो जिजा माता बोले, अरे देख शिवबा मेरे ताना ने गढ़ कुंडाना जीत लिया। तो जीतने के बाद शिवाजी महाराज जो है ना खुशी के आंसू बहाने लगे, कल्याण गेट के पास आ गए, देखो तो क्या कि पहले ही मतलब पैर ऐसे सीढ़ी पे रख दिया। उनको पता चला कि किले पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। आके देख रहे तो क्या, तानाजी मौसरी के टुकड़े टुकड़े देखकर अस्सी वार ये उदय भान ने किए हुए देखकर महाराज खुद रोने लगे। अपने पेट का कपड़ा निकाल कर, शिला निकाल कर, तानाजी मालूसरे का जो मतलब चेहरा था पूरा खून से लाल हो गया था, वो पोंछ कर बोले, अरे सैनिको ऐसे रो मत, मेरा ताना ये स्वराज्य को छोड़ के चला गया, इस स्वराज्य में गढ़ आया लेकिन मेरा एक शेर चला गया, गढ़ आया लेकिन मेरा एक शेर चला गया। गढ़ और शेर, शेर को मराठी में सिंह बोलते हैं, इसको मराठी में क्या बोलते हैं? गढ़ आला पन माजा सिंह गेला। गढ़ और सिंह जो है उसका उल्टा करके किले का नाम क्या रख दिया? सिंहगढ़। किले का पहले का नाम था कोंडाना। अभी मैं बोला कि कोलेवाड़ा है, वहां पे जागरण गोंधळ करने के बाद उनको फितूर किया। ये पोवाड्यामध्ये आता मी सांगतो, आता पोवाड्यामध्ये सांगितलं तुम्हाला।